मैं डॉक्टर अविनाश गुप्ता, चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी, मॉनमाउथ मेडिकल सेंटर, न्यू जर्सी, अमेरिका में 34 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का प्रेसिडेंट भी हूं। इंडिया को अभी चाइना, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका से भी सबक सीखना होगा। अमेरिका में मैंने आज सुबह देखा कि 5000 आदमी को कोरोना है, शाम होते होते 10000 को हो गया। सुबह सुबह देखा कि 500 आदमी मरे हैं, शाम होते होते 1000 आदमी मर गए। मैं जिस शहर में रहता हूं उसमें सुबह 70 केस थे, शाम होते होते 140 हो गए। तो स्थिति बहुत ही भयानक है। यहां पर हेल्थ केयर जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, उनको भी हो रहा है। हम लोगों के पास कोरोना एक नया वायरस है और इससे किसी को इम्यूनिटी नहीं है, सब इससे ससेप्टेबल हैं। तो जिसको भी, जो भी इसके टच में आएगा उसको ये तो अटैक करेगा ही। और करीब 80% आदमी को तो मामूली बुखार और गला खराब ये सब होगा, लेकिन वो लोग इसको दूसरे को फैलाएंगे। 14% आदमी को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल में उतना बेड नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल भर जाएगा। और 6% आदमी को आईसीयू बेड चाहिए, आईसीयू बेड नहीं मिलेगा। तो 2 से 4% आदमी की मौत होनी तो निश्चित है। तो इसीलिए अभी बचिए। मोदी जी ने सही समय पर सही फैसला लिया है और 3 वीक के लिए लॉकडाउन कर दिया है। आप लोग घर से बाहर मत निकलिए। डॉक्टर, नर्सेस बाहर निकल रहे हैं आपको बचाने के लिए, तो आप उन लोग को बचाइए ताकि वो लोग आपको बचा सकें। और इसके लिए घर में रहिए, हाथ बहुत बार बार धोइए, हर 2-3 घंटे पर। हाथ से मुंह को मत छूइए, और छूना है तो हाथ धो के छूइए। और ऐसा नहीं है कि केवल बूढ़े लोग ही को प्रॉब्लम होगा और यंग आदमी और जो हेल्दी आदमी है वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। वायरस अभी सभी को अटैक कर रहा है और इवन यंग आदमी भी मर रहे हैं इससे। तो इसीलिए आप लोग बचिए, बचाव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही इसका रास्ता है। और हम लोग बिहार झारखंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ से बिहार और झारखंड की जनता को जो भी जरूरत हो उसको करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और अभी भी जो रोज कमा के रोज खाने वाले हैं उन लोगों के लिए हम लोग सोच रहे हैं। और जो भी जरूरत हो तो हम लोग को खबर कीजिए आप contact@bajana.org में, contact@bjana.org में। जय हिंद, थैंक यू।